अभी हम पिकअप में बैठे हैं और दिन के 2 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे धान का सॉरी गेहूं का बोझा लाने के लिए। तो अभी दूसरे आदमी का गाड़ी खाली हो रहा है, तो हम 4-5 गो बारात जा रहा है और 4-5 गो बारात आ रहा है, हमारे आज घर में ही है खुद से। तो चलिए आज भी निमंत्रण है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी लगे हैं कि भाई काम खत्म कर लें। तो हम लोग आ गए हैं अपने खेतों में। ये जो बोझा दिख रहा है हम ही लोगों का है, और वहाँ से 1 कट्ठा का बोझा लाना है, 7-8 गो है, ज़्यादा नहीं है, तो लेके आता है। ये सब धान खेती है, इसमें गेहूँ ज़्यादा नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे इस नए ब्लॉग में। और सुबह के 10 बज गए हैं और यहाँ धूप बहुत हार्ड हो गया है, आज सब दिन से लू ज़्यादा चल रहा है। तो हम लोग अभी मवेशी को अंदर बांध दिए हैं, मवेशी बहुत माने बाहर में रहना ठीक नहीं है, बहुत धूप हो रहा है, तो गैया भैंसी सब अंदर रख दिए हैं। और हम लोग भी आज मुँह हाथ धो के फ्रेश है, ऐसे तो कोई काम नहीं है। आज गेहूं कटवाना है, तो अभी एक खेत माने बधार में से, बधार उसको बोलते हैं, खेतों से लाना है गेहूं, फिर आज शाम को गेहूं कटवाएंगे। तो चलिए आज चलेंगे खेतों में फिर से, और अभी घर में है, अभी खाना वाना खा लेते हैं। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, हम लोग गेहूं वहूँ ढो के खेतों से शाम को रख दिए, नहा खा के बंद कर दिए, एक पिकअप रह गया था, तो वो जाएंगे फिर से गेहूं को लेके आना है। और पिताजी आ गए हैं दूध दे के, और तेल वोल भी इकट्ठा कर रहे हैं, जो बगीचा में गेहूं है उसको मशीन में कटवाना है, उसको थ्रेसर बोलते हैं। तो चलिए, और आज शाम को भोज भी है, अपने घर में ही भोज है, ये हमारा कजन का घर है तो इसी में भोज है। तो आज अभी सब तैयारी हो रहा है भोज का, और कल तिलक जाएगा, तो आज शाम को भोज दे देंगे हम लोग, और शाम को तिलक लेके जाएंगे। तिलक के लिए मिठाई बन रहा है यहाँ पे, तो चलिए आपको अंदर दिखाते हैं, देख लीजिए। ये आ गए हैं हमारे जो मिठाई बनाने वाले मिस्त्री, और यहाँ पे ये देखिए गैस चूल्हा, और यहाँ पे सब आइटम तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे मिठाई बनेगा। ये सब बच्चे लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं, और यहाँ हमारे बड़े भाई बैठे हैं। तो कल हम लोग का यहाँ घर से तिलक जाएगा, उसी उपलक्ष्य में आज शाम को, मतलब हमारे देहात बिहार में इसी तरीके से होता है, जिस दिन तिलक जाएगा उस दिन भोज देना पड़ता है, तो हम लोग एक दिन पहले दे देते हैं गर्मी की वजह से, मतलब कल तिलक जाएगा तो आज शाम को नाइट में भोज दे देंगे, और फिर कल तिलक जाने के टाइम हम लोग फ्री रहेंगे, कल तिलक निकल जाएंगे। जब बारात जाता है उस दिन भी भोज देना पड़ता है, तो ऐसी होता है। चलिए तो चलते हैं, यहाँ पे हमारे मिठाई वाले मिस्त्री बाबू, उनका नाम है शिव कुमार साहब, वो मिठाई बना रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अभी आज दिन में गेहूं वहूँ कटवा लेते हैं, और उसके बाद फ्री होना एकदम जरूरी है, गेहूं वहूँ कट जाएगा तो हम लोग फ्री हो जाएंगे, फिर शाम को भोज का आनंद लेंगे। आप लोग भी वीडियो में बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक को फॉलो कर लें, अब वीडियो में कंटिन्यू रहिए। हम लोग रिफाइंड तेल लेके आए हैं, ये इमामी का रिफाइंड तेल है, तो ये टीना पड़ा है शायद 1850 की 1900 कैसे पड़ा, 1850 तो दोस्तों आप लोग के तरफ भी यही रेट होगा, कमेंट में बताइए कि आपके तरफ क्या रेट है। तो इसी में हम लोग वहाँ बुनिया छानेंगे, और बेलगरामी माने लड्डू बनेगा, और बेलगरामी और खजूली, ये तीनों मिठाई जो है बिहार का प्रसिद्ध मिठाई है, तो यही बनाएंगे और ये लेके जाने के लिए तिलक में। तो चलिए, इसमें हम लोग रिफाइन तेल डाल दिए, मतलब उसके साथ मिक्सिंग करेंगे, वो मैदा है तो उसके खजूली बनने के लिए, मैंने सॉफ्ट खजूली और बेलगरामी जो है एकदम मुलायम होता है, खस्ता, तो उसको उसके साथ मिला रहे हैं। और यहाँ बुनिया के लिए बेसन तैयार है, तो चलिए ये बच्चे लोग भी तैयार है। 11:30 बज रहे हैं और हमारा खाना खाने का टाइम हो गया, तो आज का खाना ये देखिए, पीपल का सॉरी पपीता का भुजिया, मूली का अचार, मिर्ची और राइस, और ये है दाल, तो घर का मूंग मसूर का दाल है, इसमें तुअर भी मिलाया गया है। तो चलिए खाना हमारा निकल गया, अब खाते हैं, खाना खा लेते हैं, बाकी दिन में काम पे भी जाना है, तो पहले पपीता का भुजिया बढ़िया लगता है, मीठा मीठा, तो भुजिया के साथ थोड़ा खाते हैं। बहुत टेस्टी हुआ है भुजिया, अरे मूली का अचार तो मेरा फेवरेट है। तो खाते हैं फ्रेंड्स, हमारा खाना पीना हो गया, मतलब खाना खा लिया दोपहर का, 11:12 बजने वाला है, और गाड़ी हमारी जो है लोड हो रही है झारचुकड़ा से कलकत्ता के लिए, तो इस बार गाड़ी फंस गई, देखिए गाड़ी 8 दिन हो गया खड़गपुर से निकले हुए, अभी झारचुकड़ा में है, झारचुकड़ा से माल नहीं मिला, गाड़ी रिटर्न आ रही है, इस चक्कर बहुत लॉस हो गया। चलिए क्या करें, होता है, हम भी नहीं है इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अब मड़ई में, ओ सामने मड़ई है, और हमारा बाबू भी साथ साथ जा रहा है छोटू, तो चलते हैं सोएंगे थोड़ा मड़ई में। मड़ई में आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग सो रहे हैं, और
अब वेट कर रहे हैं वो पिकअप गाड़ी का। पिकअप गाड़ी आएगा तो एक गाड़ी मतलब एक ट्रिप और भी बोझा है बधार में, तो लेके आना है। तो चलते हैं, सोनू भी गया है भैया, वो आएगा, गाड़ी वाला भी आएगा 1 बजे, तो फिर गाड़ी लेके जाएंगे बाजार में हम लोग और गेहूं लाने जाएंगे। तुम भी चलोगे ना? हाँ, टाटा बोल दो, टाटा। हाँ, तो हम लोग जाएंगे साथ में गेहूं लाने के लिए। गेहूं आ जाएगा तो आज रात में कटवा भी देंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पिकअप में बैठे हैं और दिन के 2 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे धान का गेहूं का बोझा लाने के लिए। तो अभी दूसरे आदमी का गाड़ी खाली हो रहा है, अभी हमारे हैंड ओवर में हो गया है गाड़ी, हम लोग यहाँ से अभी निकलेंगे, गाड़ी खाली हो रहा है पीछे, और निकाल के यहाँ से और गाड़ी लेके चलते हैं खेत में, और खेत का नाम है सतईसवा। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए आप लोग, चलते हैं। और ये आ गए हमारे भैया। आपको बता दूं कि आज भी बहुत लगन है गांव में, इतना लगन है कि अब बोलिए मत, कम से कम 4-5 गो बारात जा रहा है और 4-5 गो बारात आ रहा है, हमारे आज घर में ही है खुद से। तो चलिए, आज भी निमंत्रण है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी लगे हैं कि भाई काम खत्म कर ले, काम खत्म करके निमंत्रण के लिए मैंने खाली रहे, भाई फ्री रहे, तो चलते हैं बोझा लेके आते हैं। खाली हो गया गाड़ी और सामने से पिकअप आ रहा है। हम लोग अभी पुराना पर पहुंच चुके हैं और देखिए हार्वेस्टिंग चल रहा है, तो खैर दूसरे जगह कट रहा है। ये है बधार पुरैना का, और उस साइड जाएंगे हम लोग, वो है सतईसवा में। तो चलते हैं, वीडियो में आप लोग बने रहिए, खेते खेते जाना है, और वो है गांव चकरहंच और रास्ता वहां पे, वो जो दिख रहा है। हम लोग चले आए खेत में, यहाँ पे देखिए 10 गो बोझा है, ये खेत का गेहूँ कमजोर हो गया था, तो चलिए इसको पहले लोड कर लेते हैं, अब हमको सजाना पड़ेगा, चलते हैं पिकअप में। हो छोटू, ये सजा के फिर उस साइड जाएंगे पुरैना, वापस पुरैना पे वहाँ पर बोझा है 20-25 गो है। हम लोग बोझा लोड कर रहे हैं और देखिए बाजू में हार्वेस्टर जो है एकदम दनादन गेहूं काट रही है। तो हो गया, हम लोगों का बोझा डाल दिया यहाँ का, अब चलते हैं पुरैना पे। सामने हार्वेस्टर चल रही है, यहीं से यू टर्न मार के चलेंगे अभी। तो हम लोग आ गए अपने खेतों में, ये जो बोझा दिख रहा है हम लोगों का है, और वहां से 1 कट्ठा का बोझा लाना है, 7-8 गो है, ज्यादा नहीं है, तो लेके आता है। ये सब धान खेती है, इसमें गेहूं ज्यादा नहीं होता है, मतलब धान लगा देने से खेत गेहूं के टाइम ताकत कम लगाता है, तो गेहूं कम ही होता है, गेहूं चौमास में होता है बहुत। तो यही सब बोझा है, उठा के ले चलना है, तो चलिए इतना बोझा सब लेके चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों का लदिया हो गया, उतना हुड पे 3 बोरा रख दिया, मतलब 3 बोझा, चलते हैं, धीरे धीरे चल जाएगा, चलते हैं देखते हैं, यही माल भागने का डर है। ये देखिए यहाँ पे डीजे वाला बाबू पूरा रास्ता जाम कर दिया है, पूरा अब रास्ते ब्लॉक हो गया है, हम लोग गाड़ी साइड में लगाए हैं। हम लोग अब बगीचा में पहुंच गए हैं, और यहाँ ये हमारा टाल फेंक रहे हैं, इस पे फेंक देंगे, अब लास्ट था, आज शाम को कटवा देंगे, मतलब नाइट में। इस टाइम तो हवा चल रहा है, 5 बजे के बाद हवा बंद हो जाता है, तभी कटेगा, मैंने थ्रेसर में कटवा देंगे, और भूसा यहीं रहेगा तो 2-3 दिन लगेगा, आस्ते आस्ते ढो लेंगे, भूसा ढोना बहुत प्रॉब्लम है। आप पश्चिम साइड का उधर पहले कटा था, वो सब ढो लिए हैं घर में, तो चलिए फेंक देते हैं इसको, और तिरपाल पे फेंक रहे हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है, गाड़ी से ढोने में बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन करेंगे क्या, आजकल इंसान कमजोर हो गया है, सर पे ढोना सब कुछ बनता नहीं है। शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने नहा धोवा के फ्रेश हो गए, आप लोग देखे हम लोग बाजार में गए थे बोझा ले आकर बगीचा में रख दिए, और थ्रेसर वाले को बोले हैं, तो बोला है कि रात में फ्री होंगे तो आपके पास लेके आएंगे, अगर रात में वो आ गया तो रात में कटवा देंगे। तो हम लोग अब आके नहा धोवा लिए और नहा धोवा के फ्रेश हो गए, अब चलते हैं थोड़ा बाल पे जाएंगे, आज अपने घर में भोज है, कल तिलक जा रहा है, तो तिलक का भोज आज नाइट में ही दे देंगे, सभी लोग दे रहे हैं, अब कल दिन में धूप हो जा रहा है, माने पॉसिबल नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है, इसी की वजह से रात में ही भोज दे दिया जाएगा, तो यहीं पर भोज बन रहा है आज रात में 9 बजे बीजे है, और सब लोग खाएंगे आसपास के, जिससे हमारा भाव भी चलता है, और कल हम लोग तिलक जाएंगे। तो चलिए आज भोज बन रहा है, भोज आपको आज दिखाएंगे, तिलक का भोज के बारे में सब कुछ बताएंगे, और यहाँ बीजे भी होगा। हाय फ्रेंड्स, शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग अपने घर पे हैं, आज हम लोगों के घर पे भोज है, क्योंकि कल तिलक का बारात जा रहा है, तो चलिए भोज बन रहा है, और रात में एक्चुअली ये तिलक का भोज है, तो बारात कल जाएगी, माने तिलक का, और यहाँ पे हमारे गाँव का मतलब पूरे बिहार का सिस्टम है कि तिलक का बारात हो या लड़के का बारात हो, बारात जाने से पहले भोज देना पड़ता है,
मिल सिस्टम का तो भोज है, वही भोज तैयार हो रहा है। हम लोग अभी रात में दे रहे हैं। इसका कारण है कि दिन में सब किसान आदमी है वो अपने खेतों में व्यस्त हैं और बहुत गर्मी गिर रहा है, इसके वजह से एक दिन पहले रात में ही दे दिया जाता है और कल बारात जाएगी। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है आलू दम, तो चलिए आपको दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। आलू दम यहाँ पे बन रहा है और ये देख लिए, ये आलू है, यहाँ पे आलू को मिस दिया गया है, ये पटल है और ये धनिया है और यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है। मसाला को बढ़िया से पका लेंगे और उसके बाद बनाएंगे। तो चलिए इसमें आलू को मिला देंगे, बस हमारा आलू दम बन के तैयार होगा और चलते हैं। अभी हम लोग जाएंगे समैना में, हमारे गांव में 3-4 गो बारात आया है, अब 3-4 गो आया है, 3-4 गो गया है, कल इसी तरीके से 3-4 गो आएगा, 3-4 गो जाएगा। ये लगन का टाइम सीजन है, एकदम भरपूर लगन है और लगन लास्ट 28 तारीख तक ही है। तो चलिए चलते हैं समैना में, और यहाँ पे हमारे भैया सोए हैं, बड़े भैया, हम भी यहाँ पे जब आते हैं तो दिन में खाली पीली दिन में बैठे ही रहते हैं, यहीं पे सोते हैं। तो और क्या खबर है भैया? तो चलिए चलते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम लोग समैना में जाएंगे। और इधर हमारे पिताजी आ गए हैं बंगई से, तो हम लोग समैना में आ गए हैं और समैना पूरा खाली है, अभी तक बारात आई नहीं है। तो आजकल ऐसे ही हो रहा है, बारात आने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि जाम का प्रॉब्लम से लोग पहुंच नहीं पाते हैं टाइम। तो चलिए हम लोग अब निकलते हैं, शायद लग रहा है नाच उच नहीं है, पहले खूब नाच उच होता था, अब नाच नहीं। दोस्तों हमारा विजय हो गया है, सब लोग खा लिए हैं, लास्ट हम ही बचे हैं, हम और ये हमारे बड़े पिता खा रहे हैं। और देख लीजिए ये है राइस दाल, मतलब इसको प्रसाद बोलते हैं, और ये गिलास है पानी का। और चलिए खाते हैं, और भोज जो होता है वो सामूहिक होता है, भोज खाने में बड़ी आनंद आता है, भोज का यही महत्व है। तो खाते हैं, बढ़िया टेस्ट हुआ है, खूब जबरदस्त। और ये है चटनी, चटनी भी बहुत मस्त हुआ है। दोस्तों रात के 10:30 बज गए हैं, हम लोग यहाँ पे तो खाना वाना खा लिए थे, मिल सिस्टम भोज था, अभी एक जगह से निमंत्रण था, अपने ही आदमी थे, तो वहाँ पे बारात आया है, शादी हो रहा है लड़की का, तो हम लोग गए थे वहाँ पे, तो बोले वहाँ पे अब खाएंगे नहीं, भीड़ भी था, तो थोड़ा खाना लेकर आ गए। तो यहाँ पर हम लोग लेके आए 2 लिट्टी 2 कचौरी और मटर पनीर की सब्जी है, आलू दम है और ये है बुनिया। तो बुनिया जो है बिहार का मशहूर खाना है बारात का। तो चलिए हम लोग खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, क्या हुआ इसी में, अब लगन का चाइन है तो थोड़ा थोड़ा सब देखना है। तो चलिए खाते हैं, और लिट्टी हम खाएंगे, ये लिट्टी और बुनिया, बुनिया मस्त लगता है हमको, हाँ बुनिया का टेस्ट बढ़िया हुआ है। खाते हैं, उधर पिताजी सो रहे हैं, अब हम लोग भी खा के सोएंगे। दोस्तों हमारा खाना पीना हो गया, अब चलते हैं आराम करते हैं, टाइम भी बहुत हो गया, रात के 11 बज गया। तो चलते हैं, अब इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।